फ्रेंड्स, जब मैंने पिछली बार बेसन का चिल्ला की रेसिपी पोस्ट की थी तब आप सभी को कहा था कि बेसन के चिल्ले से बनने वाली एक जबरदस्त स्वाद वाली डिश आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज वो डिश की रेसिपी मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अब हम इस बेसन के चिल्ले को नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो अब हम ले रहे हैं 1 बॉल फ्रेश कर्ड और ये हमने बेसन पैनकेक के छोटे पीसेस कर लिए, स्मॉल पीसेस। तो इस फ्रेश कर्ड को अच्छे से बीट कर लेते हैं, आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कर्ड हमारा बीट हो चुका है, इसमें हम एज पर टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे और पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप एक स्पेशल थिंग तो जानते ही है, बेसन पैनकेक की इसे पहले से बनाकर आप रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में रख दीजिए बॉक्स, और फिर आपको स्टोव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट ये डिश बनाइए, ये फुल न्यूट्रिशन वैल्यू वाली डिश है। तो हमारा ये हेल्दी बॉल रेडी हो चुका है। तो ये बॉल अपने आप में एक फुल मील है और आप इसे लंच में भी साथ में ले सकते हैं। आप इसे सिर्फ चपाती के साथ भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, नहीं तो ये अपने आप में भी एक फुल मील है। तो आप इसे ज़रूर टेस्ट कीजिए, ज़रूर खाइए और सबको खिलाइए। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाली डिश है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही था जब मैंने बेसन का चिल्ला की रेसिपी पोस्ट की थी तो वो बिना ऑयल के भी बनाया था, एकदम भरपूर हेल्थ वाला बॉल है। हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा पाउडर्ड क्यूमिन से वापस गार्निश कर देते हैं। इसमें जीरा थोड़ा अच्छी मात्रा में डालिए और थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड कर देते हैं, ये देखने में और सुंदर लगेगा। तो अब हमारा ये बेसन चिल्ला रायता रेडी है, इसे अभी हम फ्रिज में रख लेते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। ये चिल्ड खाने में बहुत अच्छा लगता है। प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगली वीडियो आने तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय।